हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लौकी प्लांट के बारे में कि आप अपने लौकी के पौधे से ढेर सारे फल फूल कैसे पाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब इंडिया वेस्ट गार्डन चैनल पर। तो जैसा कि गाइस आप सामने देख ही पा रहे हो कि मेरा जो लौकी का प्लांट है इस पर काफ़ी मात्रा में फल और फ्लावरिंग चल पा रही है। और दोस्तों मेरा जो लौकी का प्लांट है इस पर काफ़ी मात्रा में फल आए हुए हैं और फूल भी बनते जा रहे हैं और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी फास्ट तरीके से चल पा रही है। दोस्तों यदि आपने भी अपने घर पर किसी पॉट या ज़मीन में या बगीचे में लौकी प्लांट उगाए हुए हैं और फल फूल बनने के बहुत ही कम चांस है, तो दोस्तों मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी बताऊंगी जिसे डालेंगे तो आपका भी लौकी का प्लांट है वो काफ़ी मात्रा में फल फूलों से भर जाएगा। यानी आप सामने देख पा रहे हैं कि मेरा जो लौकी का प्लांट है इस पर छोटे छोटे और काफ़ी बड़े बड़े साइज के फल भी बनते जा रहे हैं। दोस्तों मैं इस पर समय समय पर फर्टिलाइजरों का इस्तेमाल करती रहती हूँ, तभी तो मेरा जो प्लांट है वो काफ़ी मात्रा में फल और फूलों के चांसों पर भरा हुआ है गर्मियों के मौसम में। और गाइस अपने पौधे की हमें एक से दो दिन के बीच बीच में वाटरिंग भी करते रहना है, क्योंकि पौधे की सॉइल में यदि नमी बनी रहेगी तो प्लांट उससे भी हमारा काफ़ी मात्रा में फल बनने के चांसों पर बना रहता है। गाइस पौधे में सूखा नहीं पड़ना चाहिए, पौधे की जो सॉइल उसमें हमें नमी बनाए रखनी है अपने पौधे में। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं मैंने यहाँ पर क्या चीज़ ली हुई है और किस चीज़ का फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया हुआ है और इस बर्तन में मैंने पानी आधा लीटर ले रखा है। और यहाँ पर ये जो चीज़ मेरे हाथ में सामने देख पा रहे हैं वो मैंने ऑनियन केक के छिलकों का इस्तेमाल किया हुआ है। दोस्तों ऑनियन केक के छिलकों का फर्टिलाइज़र बनाएंगे तो होता क्या है कि गर्मियों के मौसम में हमारे पौधे पर इतने फल आएंगे कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। और दोस्तों काफ़ी मात्रा में फल पाने के लिए इस ऑनियन केक के छिलकों का अवश्य इस्तेमाल करें और आप अपने पौधे पर काफ़ी मात्रा में फल पाने के चांसों पर बनाना चाहते हैं अपने प्लांट को तो ऑनियन केक के फर्टिलाइज़र बनाकर अवश्य इस्तेमाल कर दें। दोस्तों मैंने यहाँ पर इन छिलकों को लेकर आधा लीटर पानी में डाल करके रेडी कर दिया है। और इस फर्टिलाइज़र को डालने से होता क्या है कि हमारे पौधे में काफ़ी मात्रा में फल लगेंगे और रोग भी नष्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारे पौधे में यदि रोग भी लग चुका है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं तो वो भी बिल्कुल नहीं होंगे, ग्रीन एवं हेल्थी और फ्रेश चमकदार पत्ते बनेंगे और फल भी काफ़ी मात्रा में लगने लगेंगे। ऐसे इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधे पर अवश्य इस्तेमाल करें ताकि आपका भी प्लांट है वो अच्छी तरीके से लौकी या फल देने लगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने पौधे की गुड़ाई के बारे में। अपने पौधे की गुड़ाई 1 से 2 इंच की गहराई में कर लेनी है और वो भी सावधानी पूर्वक करनी है, क्योंकि हमारे पौधे की रूट्स ना कट जाएं। यदि पौधे की रूट्स कट गई तो हमारा प्लांट सूख कर मरने लग जाएगा। दोस्तों मेरा जो फर्टिलाइज़र है वो बन करके रेडी हो गया है और अब बात कर लेते हैं अपने पौधे के बारे में कि हमको अपने पौधे की गुड़ाई अच्छी प्रकार से करने के बाद इस फर्टिलाइज़र को लेकर अपने पौधे की रूट्सों में डाल देना है। गाइस इतना काम कर लेंगे तो हमारे पौधे पर इतनी लौकियाँ लगेंगी कि दोस्तों पड़ोसियों में तो बटोरनी ही पड़ेंगी। और इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे पर इस्तेमाल करेंगे तो गर्मियों के मौसम में इतने फल पाओगे कि आप तोड़ते ही थक जाओगे और तोड़ने वाले भी कम पड़ने लगेंगे। दोस्तों ऐसी जानकारी पाने के लिए आप सभी हमारी यूट्यूब इंडिया वेस्ट गार्डन चैनल के साथ साथ सभी जुड़े रहिए ताकि आपको भी अपने पौधों के लिए इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी को थैंक यू।